हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हमारे पास 3 पीस 5 पिन सॉकेट के हैं और 1 पीस हमारे पास स्विच बटन का है। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग कैसे होती है, तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे रख लेना है। ऐसे रख लेने के बाद दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका लाइन है, ये इस वाले की लाइन और ये इस वाले की लाइन, और ये हमारा स्विच बटन है। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इसका न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना होगा। तो इस वाले का एक ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, तो हमें इनको एक दूसरे से अटैच कर लेना होगा। तो सबसे पहले अटैच कर लेते हैं हम ये वाला न्यूट्रल हम अटैच कर लेते हैं। दोस्तों, ये सब काम करने से पहले आप आगे से लाइन को काट दें ताकि करंट ना लगे। बड़ी सावधानी से ये काम करना है। तो ये डालने के बाद अच्छे से कस लेंगे इसे। और फिर एक तार हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेनी है, जो कि यहाँ से अटैच होके यहाँ पर आए और यहाँ से अटैच होकर यहाँ पर आए। इसे हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं ताकि कोई भी हमारा कनेक्शन लूज ना हो। तो इसमें एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं हम, जो कि आगे काम आएगी हमारे। तो ये वाला न्यूट्रल जो आपको दिख रहा है, इस वाले न्यूट्रल में ये वाला न्यूट्रल फंसा देना है। फंसा देने के बाद दोस्तों, नट मैंने इसके पहले से ही खोल लिए थे ताकि टाइम बचे। तो ये भी अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल का आखिरी पॉइंट है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना होगा, इस वाले न्यूट्रल के साथ जो मेन बोर्ड से न्यूट्रल आएगा वो वाला न्यूट्रल इसमें अटैच कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाली वायर जो कि एक न्यूट्रल है और एक फेस है, तो न्यूट्रल लाइन इन दोनों में से कोई भी एक जोड़ लेनी है। तो हम इस वाले को न्यूट्रल लाइन बना लेते हैं, इस वाले तार को। तो अच्छे से ज्वाइंट करके इस वाले टर्मिनल में सेट कर लेना होगा और अच्छे से डाल के टाइट कर लीजिए। तो दोस्तों, यहां पर हमारा एक न्यूट्रल तार की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा फेस बचा। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाले 5 पिन का ये हमारी लाइन है और ये वाले की ये वाली लाइन और इस वाले की ये वाली लाइन। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या होगा, एक यहाँ से वायर हमें टाइट कर लेनी है। एक वायर यहाँ से इसे थोड़ा लूज कर लेता हूँ और अच्छे से टाइट कर लेता हूँ इसे।
अच्छे से टाइट करने के बाद दोस्तों फिर हमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेनी है, जो कि हमें यहाँ इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल को जोड़ने में सहायता करेगी। तो दोस्तों चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इनका हम अच्छे से जोड़ लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 mm की वायर 1 mm की वायर मैंने यूज की है, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वाले लाइन में ये वाला वायर जोड़ देना है। और अच्छे से टाइट कर लेना है। और फिर हमारा जो फेस है यहां से यहां पर जाएगा। तो यहां से यहां पर जाएगा। तो दोस्तों ज्वाइंट कर लेते हैं। एक तार और हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो इस तार को हम फिर जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अच्छे से टाइट कर लेंगे। अच्छे से टाइट कर लेंगे हम इसे भी, ताकि हमारा कोई भी कनेक्शन लूज ना रहे। और दोस्तों यहां से जाएगा यहां पर। इस वाले को हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों यहां से जाएगा स्विच स्विच बटन में। और अब बचा हमारा एक लास्ट कनेक्शन, जो कि हमारा लाइन है। और लाइन हमारी जो मेन बोर्ड से आ रही है वो इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। इसको हम थोड़ा ढीला कर लेंगे, और उसके बाद लाइन को इस स्विच स्विच बटन में टाइट कर देंगे। अच्छे टाइट कर ले। और दोस्तों ध्यान रहे कोई भी जोड़ आपस में न्यूट्रल फेस से ना बढ़े, न्यूट्रल फेस एक दूसरे से ना भिड़े। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसकी वायरिंग कैसे हुई कंप्लीट। तो न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल पहले हमें यहाँ से यहाँ कनेक्शन किया, और यहाँ से यहाँ कनेक्शन किया, और यहाँ से जो मेन बोर्ड से कनेक्शन आया है न्यूट्रल, और यहाँ से हमें वो न्यूट्रल जोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल इसको मिला, इससे इस वाले पाइप इनको सॉकेट को न्यूट्रल मिला। तो न्यूट्रल हमारा इन तीनों सॉकेट को मिल गया। तो फेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फेस हमें हमको सबसे पहले यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्विच बटन है, स्विच बटन वाले ऊपर वाले टर्मिनल में हमें ये फेस अटैच कर दिया। तो जो मेन बोर्ड से हमारा जो फेस आया वो नीचे वाले स्विच बटन में जोड़ दिया। तो दोस्तों फेस हमें जब हम इस स्विच बटन को ऑन करेंगे तो फेस दोस्तों हमको यहाँ से यहाँ मिलेगा, और यहाँ से यहाँ मिलेगा,
और यहाँ से यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसकी वायरिंग हमारी होती है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।